हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स टू माय क्लास। लेट्स स्टार्ट। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हियर देयर इज वन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंप्लीफिकेशन। सो इन दिस कॉन्सेप्ट ऑफ सिंप्लीफिकेशन मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें कितने आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। लाइक दिस, दिस इज अंडर रूट 45 माइनस 3 रूट 20 प्लस 4 रूट 5। सोचिए अगर सारी चीज़ें रूट 5 के जैसी होती, मतलब इन तीनों के अंडर रूट्स एक जैसे नहीं हैं, लेकिन 5 को तो हम नहीं तोड़ सकते, बट रूट 20 और रूट 45 को हम डेफिनेटली तोड़ सकते हैं। तो उस अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो रूट 45 को अगर हम फैक्टराइज करते हैं तो रूट 45 टूटता है 9 मल्टीप्लाइड बाई 5। अब सोचने वाली बात है कि मैं 5 से क्यों तोड़ रहा हूँ, क्योंकि मैं ऐसा चाहता हूँ कि सबके बीच में अंडर रूट 5 एक कॉमन डिजिट हो। नाउ इफ आई गो फॉर अंडर रूट 20 देन इट कैन ऑल्सो बी डिवाइड बाई 5, तो 4 5 से। एंड इफ आई गो फॉर 4 रूट 5 इट इज़ ऑलरेडी 4 रूट 5। वट इज दैट? 4 रूट 5। नाउ लेट्स गो टू वन ऑफ द थिंग। आपको ये पता है कि अंडर रूट 9 किसी का स्क्वायर होता है, अंडर रूट 4 किसी का स्क्वायर होता है। चलो इसको थोड़ा सा हम बेसिक टर्म को तोड़ते हैं। दिस वन इज अंडर रूट 9 मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट 5 माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट 4 मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट 5 प्लस 4 रूट 5। दिस अंडर रूट 9 इज द स्क्वायर ऑफ 3, सो इट कम्स विद अंडर रूट 5, बिकॉज अंडर रूट 5 को मैंने नहीं सॉल्व किया। यहाँ से हम 3 रखेंगे, साथ में अंडर रूट 4 जो कि 2 का स्क्वायर होता है वो निकाल लेंगे, एंड आफ्टर दैट अंडर रूट 5। यहाँ पर 4 अंडर रूट 5। नाउ वी विल सी दैट 3 अंडर रूट 5 माइनस 3 टू ज़ 6 अंडर रूट 5 प्लस 4 अंडर रूट 5 इज हियर। अब अगर हम सबसे अंडर रूट 5 कॉमन ले लें तो हमारे पास जो अंदर बचेगा वो बचेगा 3 माइनस 6 प्लस 4। सो दिस वन इज प्लस 3, दिस वन इज माइनस 6 एंड दिस वन इज 4। सो प्लस प्लस बिकम्स एट 4, 5, 6, 7, 7 माइनस 6 बिकम 1। सो द आंसर विल बिकम 1 रूट 5, और यू कैन से अंडर रूट 5। इज इट सिंपल? So this is the answer. So students, let's see another question. This is one of the question, 3 root 3 plus 2 root 27 plus 7 upon root 3. A simple question. Now you can understand this question by this way. Here root 3 आप देख सकते हो ज़्यादातर दिया हुआ है, तो root 3 हम common ले सकते हैं। कैसे? देखो roots 3 जहाँ पर नहीं टूट सकता वहाँ तो वही ऑप्शन रहेगा, लेकिन जहाँ पे टूट सकता है वहाँ पे हम उसको फैक्टराइज करेंगे। सो 9 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज़ द 9, 3 इज़ 27। अब रही बात इसकी, तो हम ऐसा करते हैं, हम ऊपर रूट 3 अगर रखते हैं तो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर है, तो उसके लिए हम इसको रेशनलाइज कर देंगे। 7 अपॉन रूट 3 से ऊपर भी रूट 3 और नीचे भी रूट 3 का मल्टीप्लिकेशन करा देंगे। अब फ़र्क ये आएगा, जैसे कि ऊपर वाले में आप अंडर रूट 9 को 3 बना लिए थे, उसी तरह यहाँ पर भी आप 3 बनाओगे। सो 3 अंडर रूट 3 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट 3 प्लस यहाँ पर आपके सामने 7। अब रूट 3 और रूट 3 ये दोनों एक 3 बना देंगे। क्यों? क्योंकि स्क्वायर स्क्वायर
अंडर रूट कट गया, ख़त्म हो गए. सो इट मीन्स 3 into 3 मीन्स 9. 9 इज़ द स्क्वायर ऑफ 3 और साथ में बचेगा मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट 3. अब सबके पास आप ध्यान से देख रहे होगे, अगर हम इसको थोड़ा सा और एक स्टेप आगे बढ़ाएं तो सबके पास रूट 3 कॉमन ऑलरेडी है. तो हम रूट 3 को कॉमन ले लेते हैं और बाहर की तरफ अंदर जो हमारे पास बचे हुए पार्ट है उनको हम रख लेते हैं. अभी अगर इसी चीज़ को हम ध्यान से देखें तो 6 + 3 = 9, रूट 3, 3 + 6 मीन्स 9 अपॉन 1 जो कि कुछ नहीं है नीचे तो वहाँ 1 लगा देंगे अपॉन 3. अब हमको इस 1 को 3 बनाना पड़ेगा तो मल्टीप्लाइड बाय 3 एंड मल्टीप्लाइड बाय 3. सो अंडर रूट 3, 9 × 3 = 27 प्लस 7 अपॉन सिंपल 3 इज़ द एलसीएम. सो 3 इज़ देयर. नाउ वी कैन ऐड 27 टू 7, इट विल बिकम 34. सो द आंसर विल बिकम 34 अपॉन 3 अंडर रूट 3. सिंपल, दिस इज़ द आंसर. सो बाय दिस वे यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन. पॉज योर वीडियो एंड सॉल्व इट. इफ यू हैव एनी डाउट इन द क्वेश्चन, अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको क्वेश्चन में हो, यू कैन सेंड इट टू मी और कमेंट इट एट द डाउन. आई विल सॉल्व, डेफिनेटली सॉल्व दिस क्वेश्चन. थैंक यू. नाउ हियर इज वन ऑफ द क्वेश्चन अराइजेस, 3/√8 प्लस 1/√2. हाउ कैन वी सिंप्लीफाई? नो द सिस्टम इज वी कैन ईजली सिंप्लीफाई. हाउ? लेट्स सी. First of all, we have to make this part in factorization. 4 × 2 = 1/√2. Now, after that, what we have to do, 4 is the square of 2, so it will become 3/√2. By root 4 will become 2, and root 2 is already there, plus 1/√2. Now here 2 is present and here 2 is missing. So what we have to do? We have to multiply it by 2 and 2. So the 2 will also come here and we can take it as a LCM. So 3/√2 plus 2 × 2/√2. Now what will happen here? It will go and form 3 + 2 become 5/√2. Now this can also be changed. What we have to do, we have to multiply it by √2 up and down. So it will come 5/√2 is there and √2 become 2, so it will come 4. So the answer is 5/√2 / 4. Is it simple? Thank you.